लता इंगड़े जी ने लिखा है, हमारे पड़ोस में कल 30 साल के लड़के को कैंसर हो गया है। उसने 2 डोज लिए थे, जिनके भी हेरिडिटरी जीन्स में, अगर कैंसर जीनोम है, जिसके पास हिस्ट्री में, किसी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को कैंसर था, तो उसके अंदर वो जेनेटिकल कोड है जो कैंसर पॉजिटिव है। और ये जो टीके हैं, ये उसको ट्रिगर करता है, ये जो mRNA टीका है ये उसको ट्रिगर करता है। तो उसकी वजह से कैंसर जो अगले 10-15 साल बाद हो सकने के चांसेस थे, उसको ट्रिगर करके जल्दी ला रहा है। ऊपर से जिन लोगों ने गमछे लगा के रखे, एक एक दो दो तीन तीन पूरे 2 साल, उनके बॉडी में का जो न्यूक्लियस है, वो जो न्यूक्लियस है उसका जो सेल्युलर है, वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है ऑक्सीजन डिफिशियंसी से, और कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। डॉक्टर ओटो हेनरिच वार्बर्ग, इनके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था 1931 में। तो ये जो कैंसर्स, उनका जो न्यूक्लियस डेड हो चुके हैं गमछे लगा लगा के, अभी दिल्ली में फिर से गमछे लगने वाले हैं, दिल्ली में फिर से गमछे लगने वाले हैं। केजरीवाल जो आपको लोगो दिखा रहा है, इसको अगला पीएम बनने का है। मगर इतना याद रखिए, आज मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली है, 1942 में नासिक में इसी तरह से सरकारी अफसरों ने दबंगई की गई, लोगों ने पुलिस स्टेशन के साथ जला दिया पुलिस वालों को। और इंदौर में मंगलवार के दिन रैली निकली, लाख हजारों लाखों युवा उसमें आंदोलन में शरीक हुए। यही हालत पूरे भारत में अगले कुछ दिनों में होने वाली है। दौड़ा दौड़ा के मारने वाले हैं बीजेपी वालों को, इन कलेक्टर्स को, इन आईपीएस ऑफिसर को, इन पुलिस वालों को। ये वार्निंग है मेरी, आपको पहले से बोल रहा हूं मैं, द पर्ज होने वाला है। मैं 2020 से समझा रहा हूं आपको, 2020 से समझा रहा हूं मैं, द पर्ज होने वाला है, द पर्ज होने वाला है। नितिन सैनी साहब, हालत बहुत खराब नहीं है, इससे बदतर होने वाले हैं। मोदी साहब झोला उठा के नहीं, 8,000 करोड़ के प्लेन में बैठ के भाग गए, जाएंगे कहाँ, लिख के लो, आज लिख के लो, वो अंडमान में जाके रहेंगे, वो अंडमान में जाके रहेंगे, और कोई देश उनको सहारा नहीं देगा, उनको अंडमान ही सहारा देगा। ये भी बोलता हूं मैं आपको, उनको अंडमान ही सहारा देगा। और जिनको एंटरटेनमेंट चल रहा है, बिल्कुल सुनिए उस एंटरटेनमेंट। अभी ये जो फिजियल, ये तो मानवीय ये हस्तक्षेप रहेगा इन सारी चीज़ों में, मगर इसमें जो होगा अब आएगा एक नेचुरल, और नेचुरल बहुत बुरा रहने वाला है। मैंने आज कहा ना, मुझे आज मेरी आज 5 बार नींद टूटी, क्योंकि जब मैं देखता हूँ डायमेंशन, तो मैं खुद को जब वो डायमेंशन में जो देखता हूँ, तो मुझसे वो डायमेंशन में, कहा ना, आप मेडिटेशन में जाते हो तो इतना आसान नहीं रहती सारी चीज़ें। आपको लगता है मेडिटेशन कर ले और चले गए, वो जो भी आके आपको बोलते हैं ना, ये करो क्रिया, वो करो क्रिया, ही क्रिया क्रिया से कुछ नहीं होता है भाई साहब। मेडिटेशन जब होता है ना, जब आपके डेस्टिन में लिखा है, आपने अगर पूर्वजन्म में उसके लिए ट्राई किया है, वो तभी होता है। मोहनीश मेहश्रा जी, ये ड्रीम नहीं है, ये डायमेंशन ट्रैवल है। मैं अभी भी अगर आग बंद कर लूँ तो मैं डायमेंशन ट्रैवल कर सकता हूँ, ये मेडिटेशन है। और जब आप अनकॉन्शियसली जब जाते हैं, तो जो मेडिटेशन करता है उसको, वो अनकॉन्शियस माइंड उसको जल्दी ट्रैवल करता है। यही तो फर्क है आप लोगों में, आप लोगों को हम बोल रहे थे आपको ड्रीम, सच में यार मेरे मुंह से गाली निकल जाती, फिर लोग बोलते आप गाली क्यों देते हो, हम दिल तोड़ के बोल रहे हैं और ड्रीम गिर रहे हैं। ड्रीम जा ना, फिर जाके ड्रीम साइकेट्रिस्ट के जा, ड्रीम के तेरा एनालाइज करा के ले। फोकट में न्याय मिल रहा है, इसलिए कुछ भी आके आ, लाख रुपए भर फीस, तो स्पेशल क्लास देता हूँ, फिर मुंह खुल के दिखा मेरे सामने। भक्तमान के रहेंगे आप, आंदोलन कब करेंगे, हम भी आएंगे आपके पीछे। जी मैडम, मैं आपको बिल्कुल उसका अपडेट दूंगा। हम डेट्स क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सरकार क्या है, आंदोलन को चलने का बहुत प्रयास करती है, इसलिए हम आंदोलन की कोई डेट नहीं दे रहे। जब बोलेंगे आ जाओ, बस
हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया। सर धीमन साहब, मेरा स्टार्टिंग का ही 5 मिनट का पहले का वीडियो सुन लीजिए। सर लोग बोलते हैं कि हमारे घर के ट्यूबवेल में पानी के साथ आयन आता है। सर लोग क्या बोल रहे हैं कि इतने दिन से क्या सोए हुए थे कि आज ही एक रात को आ गए और उनको प्रकाश गिर गया। हर चीज़ में आयन रहता है भाई साहब, मैडम, हर चीज़ में आयन रहता है। तो ठीक है, सबसे सवाल खत्म हो चुके, फालतू सवाल चालू हो चुके, तो मेरे ख्याल से मेरा लाइफ बंद करना चाहिए। धन्यवाद सभी का, जो जागा था वही बचने वाला है। और अब जो है इसके आगे मैसेजेस बहुत ही कोडेड सिस्टम में आपको आएंगे, क्योंकि अब जो है वो छाटनी है। अब मैंने कहा ना, आप हमारी इन्फो वीडियोज़ लेके फोकड़ में बच गए हो तो आप सबको लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो सेल्फिश है, जो फालतू है, उन लोगों की छटनी होगी। अब कोडेड मैसेज इनको समझेगा वही बचेंगे। और जिन बहुत लोगों ने मुझे कहा था, सर आपका फोन पे जो है काम नहीं कर रहा था, मेरा फोन पे बीच में सच में काम नहीं कर रहा था, तो मैंने फिर से उसको रे अनइंस्टॉल करके, तब मैंने बिजनेस अकाउंट खोला था अपने, उसको प्राइवेट जो है अपना अकाउंट पे लाया हूँ फोन पे पे। फोन पे का जो भी मेरा QR कोड है वो मैंने डाला है, टेलीग्राम पे डाला है, फेसबुक पे डाला है, इवन इंस्टाग्राम पे भी डाला है, यूट्यूब पे भी कम्युनिटी पोस्ट में डाला है। आप उसको स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा अकाउंट नंबर जो प्राइवेट अकाउंट नंबर है वो 3039393971 जो है, और इसका IFSC कोड है SBIN00107911। गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर जो है वो 9096289202 है। हम जल्द ही यूट्यूब अपना जो पुराना यूट्यूब चैनल होगा आपको याद, जिसमें हमें 50,000 सब्सक्राइबर थे और 4 करोड़ व्यूज़ थे, वो चैनल हम फिर से वापस लेने के लिए याचिका डालने वाले हैं। उसके लिए भी आपका अगर हमें आर्थिक सहयोग मिलता है, वो चैनल अपना वापस आएगा, जिसपे कई इन्फॉर्मेशन, कई घंटों की, लगभग मेरे ख्याल से एक 350 घंटों की इन्फॉर्मेशंस उसमें आपको मिलेगी। कई चीज़ें जो क्लाइमेट चेंज है और कई सारे महामारी, उसकी वजह से होने वाले बच्चों पे मेंटल इम्पैक्ट, वो सब कुछ मैं उस पर दिया है। और हमारा ट्रस्ट अकाउंट बहुत जल्दी आएगा, जल्द ही मेरा ट्रस्ट अकाउंट आ जाएगा। वो ट्रस्ट अकाउंट उसका जो रहेगा मैं आपको दूंगा, उसमें आप डायरेक्टली दे सकते हैं और उसमें सारा ऑडिट रिपोर्ट्स आपको मिलेगा हर साल का।